अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ पास्ता की एक रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हाफ पैकेट जो है मैंने पास्ता का लिया है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए, गार्लिक क्लोव्स हैं ये 2 मैंने लिए हैं, लहसुन इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया था, चिली फ्लेक्स ये मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर्स मैंने लिए हैं 1 टी स्पून, सॉल्ट नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, ऑलिव ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप, टोमेटो पेस्ट मैंने लिया है हाफ कप, हाफ मैंने ऑनियन लिया है, एक छोटा लिया था उसको मैंने हाफ कर लिया था, इसको बारीक चॉप कर लेना हैवी क्रीम मैंने 1 कप ली है, पार्मेजान चीज़ हाफ कप, बटर मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। पैन एक मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, जब ये गर्म हो जाए तो आप इसमें ऑयल डाल लीजिए, ऑनियन डाल लीजिए, प्याज, गार्लिक, लहसुन, थोड़ा हिलाने के बाद आप इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दें। इसके बाद आप जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें आप हैवी क्रीम डाल दें। साथ ही जो स्पाइसेस मैंने बताए थे, चिली फ्लेक्स ये डाल दीजिए, ब्लैक पेपर्स, काली मिर्चें और सॉल्ट नमक, ये आप डाल के 1 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें आप पास्ता डाल दीजिए और साथ ही ये पास्ता वाटर मैंने हाफ कप जो सेव किया था ये डाल देना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप और साथ ही बटर डाल दें, 2 मिनट हिला लीजिए आप। अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाए तो परमेजान चीज़ आप इसमें डाल दीजिए। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, ये इसकी फाइनल लुक। बहुत झटपट बनने वाली बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह के एक आसान रेसिपी के साथ। और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।